नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात होगी याकूब मेमन की कब्र को लेकर जो विवाद मुंबई में बढ़ रहा है उसकी। अब इस मसले पर खुलकर सियासत हो रही है और इसमें नया एक नाम भी जुड़ गया है, वो है नवाब मलिक का। साथ ही साथ लोकतंत्र में बात करेंगे अलीगढ़ को लेकर, जहां एक साथ कई मकानों पर मकान बिकाऊ के इश्तेहार लग गए हैं। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद बिहार चलेंगे, जहां पर लगातार अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था जो बिहार की है वो क्या फिर जंगल राज की तरफ दौड़ रही है। इसी के साथ आज स्पेशल में बात करेंगे यूपी टू बिहार नफरत की, जो पूरी एक लगातार आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं। सवाल ये है कि अभी जो मूर्ति तोड़ो गैंग एक्टिव हुई है उसको लेकर सबसे बड़ी पड़ताल आपको दिखाएंगे 6:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं याकूब मेमन की कब्र पर जारी सियासत को लेकर। याकूब मेमन की कब्र को सजाने सवारने के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। टाइम्स नाउ नव भारत ने इस खबर को सबसे पहले आपको दिखाया था और अब हालात ये है कि इस पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब इस केस में एक नया नाम जुड़ गया है, वो है एनसीपी के नवाब मलिक का। और ये सब हुआ कब्रिस्तान ट्रस्ट के दो पूर्व सदस्यों के बयान के आधार पर। हमारी रिपोर्ट। याकूब मेमन की कब्र में सजावट और लाइटिंग तो हट गई है, लेकिन अब इस मसले पर सियासत खुल्लम खुल्ला हो रही है, जिसमें एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ शिवसेना। साथ ही अब बीच में अचानक एंट्री हुई है नवाब मलिक की और कनेक्शन सामने आ रहा है डी कंपनी का। अब इसके अंदर मैं आपको पुरानी फोटो भी बताता हूँ। पुरानी फोटो भी बताता हूँ। ये पुरानी फोटो में कई ब्लैक मार्बल कई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ब्लैक मार्बल। ये गुमराह करने के तो झूठ बोला जा रहा है। देखो, कई ब्लैक मार्बल, ये एक मार्बल नहीं है, ये थी। इसको तोड़ के लोग ने जो है, और शायद से कि इनका प्लान है कि उसको अच्छी जो है वो मतलब बड़ी बनाने जाए, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्शन है। एप्लीकेशन लिख दिया, जिसमें एप्लीकेशन में ये मेंशन किया गया, मुझे 17, 18, 19 नंबर की कब्र चाहिए, जो कि ये पहले से जनरल थी, इसके ऊपर दूसरी बॉडियां दफनाई जाती थी। मतलब न्यू बीआर लिखा हुआ है, न्यू बीआर मतलब जनरल होता है। हाँ, बागे रहमत। हाँ, जनरल, उसमें दूसरी की बॉडियां दफनाई जाती, तो इसने ये हमसे मांगा। अब ये पूरी कहानी जानने के लिए साल 2020 में लौटना पड़ेगा, जब बड़ा कब्रिस्तान के दो ट्रस्टी ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और डी यानी दाऊद गैंग से मिली धमकी की शिकायत की थी। धमकी इस बात को लेकर दी गई थी कि दो पूर्व ट्रस्टी ने कब्र बेचने से इनकार किया था, लेकिन वक्त पर ना कोई सुनवाई हुई ना ही एक्शन लिया गया। ये सब उस वक्त में बताया गया था जब नवाब मलिक के अंडर वक्फ बोर्ड आता था। पहले सुनिए कब्रिस्तान ट्रस्ट के पूर्व सदस्य जजील नवारने को, फिर आसानी से जान जाएंगे कि कितनी गंभीर बात को कितने हल्के में लिया है। 2020 में एफआईआर होने से पहले मैंने वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट डाला था। वक्फ बोर्ड ने जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी अनीस मेमन करके, उनको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी, जिसके अंदर कोई अलॉटमेंट, कोई रिप्लाई हमारे को ना बुलाया गया ना कुछ। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखा था, गैरिवेट का वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ें हो रही है। अब इनके ऊपर नाम आने लगा तो इन्होंने हमको झूठा फंसा के और अपने आप को सीधा करने की कोशिश की। अभी भी मैं फिर रिपीट करूँगा, इन्होंने ये झूठ बोला है कि उस पर ब्लैक मार्बल लगा था। कोई मार्बल नहीं लगा था, तुम सीसी वगैरह चेक कर सकते हो क्या उसके अंदर कब इसका काम हुआ। और आपको कभी पर्सनली टाइगर मेमन के नाम से थ्रेटन किया गया था? हाँ, जब वो रऊफ भाई जब हमारे पास में आते थे ना, तो उस वक्त थ्रेटन किया गया था कि लो भाई बात करेंगे। तो मैं बोला भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं उनसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आरोप एक तरफ है और दूसरी तरफ है कुछ तस्वीरें, जिसमें नवाब मलिक के साथ साथ विधायक असलम शेख, ट्रस्ट के अध्यक्ष शोएब खातिब के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दोनों नेताओं के ट्रस्ट के अध्यक्ष से बेहद करीबी रिश्ते थे। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी का दावा है कि याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के नाम पर धमकी देकर 2021 में 3 कब्रें खरीदने की कोशिश की गई थी।
दोनों पूर्व ट्रस्टी के मुताबिक मेमन परिवार की कोशिश थी कि याकूब की कब्र को बड़ा बनाया जाए, लेकिन मेमन परिवार की इस मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान में बैठे याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के नाम से धमकी भी दी गई थी। उनको उसने एप्लीकेशन लिख दिया, जिसमें एप्लीकेशन में यह मेंशन किया गया मुझे 17, 18, 19 नंबर की कब्र चाहिए, जो कि यह पहले से जनरल थी, इसके ऊपर दूसरी बॉडियां दफनाई जाती थी। मतलब न्यू बीआर लिखा हुआ है, न्यू बीआर मतलब जनरल होता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बागे रहमत। जनरल, उसमें दूसरी की बॉडियां दफनाई जाती है। तो इसने ये हमसे मांगा, उसने बोला कि तुम मुझे दे दो, तो हमने बोला हमने अलॉटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये इल्लीगल है। ऐसा इल्लीगल है, हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे, ये हमारा बस में नहीं है। तो इसने क्या किया, हमारे पर हमको धमकी दिया कि मैं टाइगर मेमन का भाई हूँ, मैं तुमसे वो कर दूंगा, और हमारे से फोन पे बात करने की कोशिश किया, हमने बात नहीं की। इन सारी बातों के बाद सवाल भी कई हैं, और सवालों के घेरे में नवाब मलिक को लेकर सवाल ये है कि याकूब की कब्र सजाने की मौखिक मंजूरी थी, दाऊद कनेक्शन की वजह से एक्शन नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड पर मंत्री नवाब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या नवाब मलिक ने दाऊद से पुरानी दोस्ती निभाई। इसके अलावा जो आरोप टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर ट्रस्ट के पूर्व सदस्य लगा रहे हैं, उससे सवाल ये भी उठते हैं कि क्या मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में कब्र बिकती है। सवालों के घेरे में बड़ा कब्रिस्तान का ट्रस्ट है, बड़ा कब्रिस्तान में क्या कैश में बिकती है कब्रें, कैश के खेल के पीछे असल में किसका हाथ है। सवालों के घेरे में बीएमसी की महापौर किशोरी पेडणेकर भी है। एक वीडियो में किशोरी पेडणेकर आतंकी याकूब मेमन के चचेरे भाई राउफ के साथ एक कार्यक्रम में साथ दिखाई दे रही हैं। अब सवाल पूछा गया तो पेडणेकर ने टाइम्स नाउ नवभारत पर इसे लेकर जवाब भी दिया। मैं मेयर थी और कोई बुलाते है तो हम जाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमने उनकी रीति रिवाज धर्म या एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं होता है। फोटो में है करके ये राजनीति करनी मुझे लगता है गलत है। राउफ मेमन इन तस्वीरों में आपके साथ दिख रहे हैं, तो आपको जानकारी थी क्या कि वो इसी मीटिंग के हिस्सा लेने वाले हैं? नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे फोटो दिखाओ उसके बाद मैं कह सकती हूँ। मुझे पता नहीं है मैडम, मैं महापौर बनने के बाद कोई मेरे पास आए और बोले तो मैं गई भी होगी, मैं डिनाई नहीं करती हूँ। हाँ। लेकिन झूठ तो कभी नहीं बोलेगी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई जो इस बात की जांच करेगी कि आखिर याकूब मेमन की कब्र को किसने सजाया और क्या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस चूक हुई है या फिर उद्धव सरकार की मर्जी से यह काम हुआ। इस बीच आतंकी याकूब की कब्र को लेकर सियासत तेज हो गई। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में ये कब्र मजार बन गई, तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? पण जेव्हा ह्याचं दफन झालं किंवा ह्या अतिरेकीला जेव्हा फाशी दिली आणि एवढे मान सन्मानाने दफन झालं तेव्हा सरकार कोणाचं होतं? आणि म्हणून हे जे आरोप करत आहेत ते नक्की आमच्यावर चिडलेले आहेत की त्यांच्याच पक्षामध्ये त्यांच्या बरोबर वाद असू शकतो त्यांच्यावर चिडलेले आहेत। इन सारी बातों के बीच टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर दिखा तो याकूब की कब्र से न सिर्फ सजावट के सामान हटाए गए बल्कि अब इसे लेकर नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई, और जिस तरह से इसमें नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं उससे ये साफ है कि अभी ये सियासी लड़ाई थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, उन्होंने भी इस पर एक अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि याकूब की कब्र को सजाने के मामले पर कानून अपना काम कर रहा है। सुन लीजिए क्या कहा। पोलिसांना सूचना दिलेल्या आहेत, महापालिकेला सूचना दिलेल्या आहेत। याकूब मेमन हा देशद्रोही आहे, बॉम्बस्फोटमधला आरोपी आहे, त्याला फाशी दिलेला आरोपी आहे, त्यामुळे त्याचं उदात्तीकरण महाराष्ट्र खपून घेऊ शकत नाही, त्यामुळे कायदेशीर कारवाई जी आहे गृह विभाग करतो आहे। आपको अब अलीगढ़ लिए चलते हैं जहां पर घरों की दीवारों पर लिखा बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उससे बवाल मचा हुआ है। एक गांव में लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि उनके मकान जो है वो बिका हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये लोग क्यों अपना घर छोड़ना चाहते हैं, क्यों अपना घर बेचना चाहते हैं? टाइम्स ऑन भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। काली स्याही से इस दीवार पर जो लिखा था वो तो मिटा दिया गया, लेकिन इन बाशिंदों के मन में जो डर घर कर गया वो कैसे दूर होगा? दीवार पर ऐसी कालिख एक नहीं बल्कि
कई मकानों की दीवार पर मौजूद है। असल में यहाँ लिखा था ये मकान बिकाऊ है। अपनी जिंदगी भर की कमाई से पाई पाई जोड़कर इन लोगों ने जो सपनों का घर बनाया, अब उसे बेचकर पलायन करने पर मजबूर इन लोगों की व्यथा सुनेंगे तो दिल सिहर उठेगा। लड़के मेरे पीछे पीछे भाग गए, मेरा हाथ पकड़ खींचे, चमर रहे, तूने शिकायत करी। घर के अंदर तक पहुँचे लड़के? हाँ तक पहुँचे थे सर। ये पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहाँ एक खास समुदाय की लड़कियों को गाँव के कुछ युवक छेड़ते हैं। छेड़छाड़ से मना करने पर परिजनों तक की पिटाई कर देते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ सर, ये इस लड़की के साथ हुए, आगे किसी के ना साथ हो। तो इतने इतने से बच्चा, हम बड़े बूढ़े ने पास छोड़ रहे, अच्छी बात है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता हिमांशु दीक्षित अलीगढ़ के मोरथल गांव पहुंचे। भय की चादर ओढ़े इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन दीवारों पर कालिख साफ साफ दिखाई दे रही, लगभग हर एक मकान पर दिख रही है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर लिख दिया गया था कि अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे एक और घर आपको मिलेगा जिसके दरवाजे पर भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था, जहाँ पर लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ है, लेकिन इसको भी काले रंग से पोत दिया गया, इसको भी पेंट कर दिया गया। इसके आगे आप जाएंगे, देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं, और इसके आप आगे जाएंगे तो एक विशेष वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस दीवार पर आप देखेंगे तो इस दीवार पर भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। मामला संवेदनशील है क्योंकि पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन यहाँ सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं क्योंकि आरोप है कि छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मेरे साथ में हुआ था। मेरी बच्ची अंदर बैठी थी और मैं यहाँ बैठी थी, आए थे लड़के, गंदे गंदी गालियाँ देते जा रहे और वो मतलब बदतमीजी कर रहे, कंकड़ी मार रहे। मैंने भी सुना था, यहाँ खिंचतानी हो रही थी। अब मैं निकल के आया जब तक तो उनको हम पीटना चालू कर दिया। ये बच्ची भी रो रही थी, वहाँ खड़े हो गए, ये वहाँ थी, इनकी माँ जो है, यही हुआ था। इसके बाद इन्होंने शिकायत की, इनकी शिकायत के आधार पे मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो पहले आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, शिकायत नहीं की? आवाज थाने तक ना जान देता ही, यही के यही कर देता ही। थाने तक कौन नहीं जान देता? प्रधान ना जान देता ही, मुसलमान ना जान देते। पुलिस प्रशासन पर, ग्राम प्रधान पर सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि खुद पीड़िता ने जो बताया वो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में वाकई शर्मनाक बात है। चार लोग थे ये, तो कंकड़ी मारी मेरी तरफ और गंदे सारे कर रहे थे, मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। तो ये बात मेरे पापा काम पे से आए, मैंने उन्हें बताई, पापा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये लोग निकल के जा रहे थे, उसी टाइम मेरे पापा ने इनको कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मारा। पहले छेड़छाड़, फिर शिकायत करने पर मारपीट, और उसके बाद शिकायत भी नहीं करने दिया गया। इन सब से परेशान होकर इस गांव के लोग अब अपना घर छोड़कर जाने को विवश हो गए हैं। जब मामला सुर्खियों में आया तब जाकर इस गांव में पुलिस की तैनाती की गई। इस गांव के बाशिंदों की मदद ना तो ग्राम प्रधान ने की, ना ही पुलिस वालों ने की। अब जाकर इनके घाव पर मरहम पट्टी लगाने का काम किया जा रहा है। इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर पुलिस पहले एक्टिव रहती तो आज ये नौबत न खड़ी होती। हिमांशु दीक्षित, अलीगढ़, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिहार लिए चलते हैं अब आपको, जहां पर कानून व्यवस्था को अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, खासकर जब से नई सरकार बनी है, सरकार के सामने सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इन सवालों के अभी जवाब मिलने बाकी हैं। हालात यह है कि अपराधी कानून व्यवस्था को कुचलकर हर दिन नई वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौती तो ऐसी है कि आम लोग क्या, पुलिस वाले क्या, राजधानी पटना में बदमाशों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया और इस पिटाई से बिहार की कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी। बिहार में राज्य की सरकार के समानांतर एक और सरकार चल रही है, अपराधियों की सरकार, गुंडों की सरकार, बवालियों की सरकार और मवालियों की सरकार। आम लोग से लेकर पुलिस वाले तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े मर्डर, गुंडागर्दी, लूट, खसोट इतनी सामान्य सी बात हो गई है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। सबसे पहले राजधानी पटना चलिए, जहां ना तो आम लोग सुरक्षित हैं और ना ही पुलिस वाले। दोनों तस्वीर पटना की है। पाटलिपुत्रा इलाके के एलसीटी घाट में एक नाबालिग युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों को ही कुछ लोगों ने दौड़ाकर पीट दिया। सवाल कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है?
पुलिस भी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी पटना से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि नई सरकार के बनते ही अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है। इसकी गवाही देती है तस्वीरें पटना के उसी पाटलिपुत्रा इलाके की है जहां एलसीटी घाट पर एक युवक की हत्या की गई। खबर है कि किसी स्थानीय युवक ने बिना किसी डर दूसरे युवक को चाकुओं से गोद लिया। उसको यहीं छोड़ पकते हुए कुछ लोग उसको चाकू से मारते हैं, उसके कारण उसका मौत हो गया। इसका कारण तो जो स्पष्ट नहीं हो पाया है, सब लग रहा है सब इस मैक के चलते हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, दोनों से पूछताछ भी जारी है ताकि पता चले कि हत्या के पीछे की असल कहानी है क्या। आम लोग तो सुरक्षित नहीं ही हैं। अब पुलिस प्रशासन का हाल देखिए, ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि अपराध करने वाले कितने बेखौफ हो चले हैं कि उन्हें पुलिस वालों से भी टकराने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। इस बात को सोचकर ही आप सहम जाएंगे कि पुलिस वालों को बदमाशों ने दौड़ा दिया, वो भी राजधानी पटना में। दरअसल पीर बोहर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास चार लोगों के हथियार से लैस होकर बैठ जाने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। इसमें पुलिस टीम ने शिया मस्जिद के पास खड़े चार युवकों की तलाशी ली, लेकिन तभी कुछ बदमाशों ने पुलिस वालों पर हमला किया, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और जब वो भागने लगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर अलग से पीटा। भागे लोग, चारों भागे तो पुलिस टीम ने खदेड़ कर उसमें से दो बंदे को पकड़ लिया और लेकर थाना की तरफ मूव कर रही थी टीम। इसी बीच डेंटल कॉलेज के सामने जो वहाँ पे कुछ लोगों को इन लोगों ने जमा कर लिया, धीरे धीरे जमा होते हुए लोगों ने पुलिस टीम से इन दोनों को छुड़ा लिया और उसके बाद उसमें जो एक जवान था सुभाष उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वो जख्मी है, अभी इलाजरत है PMCH में। पुलिस ने इस मामले में देर रात पीर बोहर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें पुलिस पर हमला करने के साथ साथ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज तलाशने में जुटी हुई है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर अब BJP ने राज्य की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनको जंगल राज भी जनता का राज नजर आने लगता है। जिस राज्य के विरुद्ध उनका अवतरण हुआ, सुशासन के मंत्र को लेके दिल्ली से बिहार में आए थे कि सुशासन स्थापित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं, रोज चित्कार कर रहा है, हत्या लूट बलात्कार हो रहा है। सियासत अपनी जगह, आरोप भी अपनी जगह, लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में कानून को कुचलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि लगाम लगाने वाली सारी कोशिशें फेल होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है टाइम्स नाउ नवभारत पर।